टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो भाई अगर आपका बजट 10,000 है, 10,000 के बजट रेंज में आप फोटोज़ अच्छी लेना चाहते हो, सेल्फी अच्छी लेना चाहते हो, या अगर आप रील्स टिकटॉक बनाने के भी शौकीन हो, एंड अगर आपका बजट कम है 10,000 के बजट रेंज में आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो, तो यार आज मैं आपके लिए स्मार्टफोन बताऊँगा। बात करते हैं सीधा नंबर थ्री की, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, तो नंबर थ्री की बात कर लेते हैं। नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है मोटो ई 7 प्लस को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले यार ये दो कलर्स में देखने को मिल जाता है, ब्लू कलर में एंड ब्रॉन्ज कलर में, ठीक है। ब्लू कलर इसको ज़्यादा सूट करता है, अगर आप लेना चाहते हो तो भाई ब्लू कलर में ले लेना। आपको IPS LCD देखने को मिलेगी, तो यार 10,000 के बजट रेंज में आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिले, ठीक है। तो आपको IPS LCD देखने को मिलेगी, स्नैपड्रैगन 460 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो इसका जो प्रोसेसर है सच में तगड़ा देखने को मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है, आपके लिए भी परफेक्ट डील हो जाएगी, ठीक है। आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलता है। इसका बैक कैमरा सच में बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिलती है। सेल्फी इसकी बिल्कुल भी अच्छी इतनी नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बैक कैमरा इसका सच में अच्छा है, फ्रंट कैमरा इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको देखने को मिलता। आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी इसमें नहीं देखने को मिलता। आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 10W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ भाई, अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है मोटो ई 7 प्लस। आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन की ओर, लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया कि इसका जो बैक कैमरा है वो सच में अच्छा है। फोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहते हो, अगर आपने लाइक डे शूट करना है, आप नॉर्मली ईजिली कर सकते हो। तो यार अगर आपको सेल्फी अच्छी चाहिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा ये स्मार्टफोन, आपको सेल्फी इसमें इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती। तो यार आगे बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 5 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 460 देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बातों को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 10W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, 48 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 8 MP सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बातों को 4GB रैम मिल जाती है, प्लस 64GB स्टोरेज। प्राइस की बात करूँ, आपको 9,400 के बजट रेंज में मोटो ई 7 प्लस देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया मोटो ई 7 प्लस के। तो यार अगर आपका बजट 10,000 से भी कम है, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। या फिर अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है मोटो ई 7 प्लस। आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन के और, लेकिन अगर आपको चाइनीज वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, जो मैं आगे फोन बताऊंगा वो आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर यार मैंने रखा है रियलमी नार्जो 20 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यार, 10,000 के प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्मार्टफोन है रियलमी नार्जो 20। ये दो कलर में देखने को मिलता है, दोनों कलर इसको बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं। ब्लू कलर में मुझे ज्यादा सही लगता है, अगर आप सिल्वर कलर लेना चाहते हो आप ले सकते। तो इसका डिजाइन, इसकी लुक भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, प्लस बैक साइड में जो कैमरे का मतलब शेप है वो इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो भाई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए भी परफेक्ट है। अगर आपको तगड़ा प्रोसेसर चाहिए, आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, रियलमी नार्जो 20 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बता देता हूं। तो यार डिस्प्ले की बात करूं, 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPS LCD है, जो कि यार आपको 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 4GB रैम मिल जाती है, प्लस 64GB स्टोरेज। ये दो वर्ड में देखने को मिलता है, 64GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज, जो भी बजट में सेट बैठता है, या जितनी भी स्टोरेज आप लेना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बैटरी की बातों को 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 18W का फास्ट चार्जर। तो 6000 mAh की बैटरी मतलब आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी, जैसे भी यूज करना चाहते हो, हाई सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो, जैसे भी यूज करना आप कर सकते हो, आपका एक दिन तो नॉर्मली निकल जाएगा। कैमरे की बात करूं, आपको 48 MP कैमरा मिल जाता है, जो कि ट्रिपल कैमरा है। सेल्फी की बातों को 8 MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया रियलमी नार्जो 20 के। तो यार फोन पूरा लोडेड आपको देखने को मिल जाता है, फोन बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद किया, बिकॉज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आप 10,000 पे कर देते हो, आपके पैसे खराब नहीं होने वाले, आप लॉन्ग टाइम पे इस स्मार्टफोन को रख सकते हो। एंड फोन का जो डिजाइन है, जो कलर है, जो बैटरी है, जहाँ इसका जो प्रोसेसर है, वो सच में मैटर करता है 10,000 के प्राइस रेंज में। तो आप देख लेना अगर आप चाहना चाहते हो रियलमी नार्जो 20।
ऑटोमेटिक आप जा सकते हो, बाइंग लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है माइक्रोमैक्स एंड नोट वन को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, तो भाई अगर आप इसके और जाना चाहते हो आप जा सकते हो। ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, दोनों कलर्स को बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। मैं बात करूँ ग्रीन कलर की एंड व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर में मुझे ज़्यादा सही लगा भाई, अगर आप लेना चाहते हो व्हाइट कलर में देख लेना, आपको भी पसंद आने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 2 साल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन की खास है देखने को मिल जाती है। गेमिंग प्रोसेसर है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड, आपको IPS LCD मिल जाएगी, 2 वेड में देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ज़्यादा डीपली मैं आपको बता देता हूँ, सीधी बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 6.67 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को हीलियो G85 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4 और 6 GB वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जर प्लस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 16 MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया माइक्रोमैक्स इन नोट वन के। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने मेन टॉपिक था जो कैमरे के अकॉर्डिंग, तो कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए माइक्रोमैक्स इन नोट वन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही है यार। मेगापिक्सल से कोई भी मतलब फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता, सेंसर से ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो इसकी कैमरा क्वालिटी आती है या डिटेलिंग जो देता है फोटोज़ की वो बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आप फोटोज़ वगैरह देखना चाहते हो आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो यार अगर मेरा बजट 10,000 होता ना तो मैं इन दो स्मार्टफोन्स की और ही जाता, जहाँ मैं जाता रियलमी नार्जो 20 की और जहाँ फिर मैं जाता माइक्रोमैक्स इन नोट वन की। तो आप देख लेना, अगर आपको वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए माइक्रोमैक्स इन नोट वन आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपको रियलमी नार्जो 20 का डिज़ाइन कलर वगैरह पसंद आते हैं तो आप उसके और भी जा सकते हो, वो भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है। तो यार मैं मोटो की और तो बिल्कुल भी नहीं जाता यार, मुझे उसका डिज़ाइन कलर लुक वगैरह इतना अच्छा नहीं लगा, जो कि सच है ठीक है। प्राइस रेंज में इसीलिए रखा बिकॉज आपको 48 MP के साथ उसका कैमरा मिल जाता है, बैक कैमरा सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है मोटो का ठीक है। तो आप देख लेना इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं कौन सा लेता है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे गले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।